अब हर रोज सुबह की चाय के साथ। देखिए सुनिए मेरे साथ, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य, आपके लिए लाया हूं दुनिया का खबरनामा। भारतीय शांति रक्षकों को कांगो में अपने पेशेवर रवैये के लिए मिली सराहना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय शांति रक्षकों के पेशेवराना अंदाज और मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की गई है। पहली भारतीय महिला शांति रक्षक टीम की तैनाती मध्य अफ्रीकी राष्ट्र में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। मार्च 2019 तक 2624 शांति रक्षकों, 274 पुलिस कर्मियों के साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलाइजेशन मिशन में भारत सर्वाधिक सैनिक तैनात करने वाला दूसरा देश था। स्पेस वॉर का खतरा, अमरीका के बाद अब भारत ने की बड़ी तैयारी। अमेरिका के बाद अब भारत ने भी स्पेस वॉर को ध्यान में रखते हुए अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने स्पेस में जंग की स्थिति में आर्मर्ड फोर्सेस की ताकत बढ़ाने के लिए एक नई एजेंसी बनाने को मंजूरी दी है। एजेंसी का नाम डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी रखा गया है, जो उच्च क्षमता के आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी विकसित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने नई एजेंसी गठित करने को मंजूरी दे दी है। DSPRO पर स्पेस वॉरफेयर वेपन सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज तैयार करने का जिम्मा होगा। आपको बता दें कि भारत ने ऐसे समय में स्पेस वॉर के खतरे पर फोकस किया है जब अमेरिका पहले ही 2020 तक स्पेस फोर्स बनाने का ऐलान कर चुका है। सरकार में यह फैसला उच्च स्तर पर हाल ही में लिया गया है और अब एजेंसी ने एक जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के वैज्ञानिक के तहत आकार लेना भी शुरू कर दिया है। आगे एजेंसी को वैज्ञानिकों की एक टीम उपलब्ध कराई जाएगी जो तीनों सेनाओं के साथ मिलकर काम करेगी। यह एजेंसी डिफेंस स्पेस एजेंसी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सहयोग करेगी। DSA में तीनों सेनाओं के सदस्य शामिल हैं। DSA को स्पेस में जंग लड़ने में सहयोग करने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि इसी साल मार्च में भारत ने एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया था, जिसके जरिए भारत ने स्पेस में सैटेलाइट को मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस मिसाइल टेस्ट के साथ ही भारत ऐसी क्षमता रखने वाले चार देशों के विशेष क्लब में शामिल हो गया है। इस टेस्ट में भारत ने अपनी डिटरेंस क्षमता भी विकसित कर ली है, जो जंग के समय दुश्मन को भारतीय सैटेलाइट पर हमले से रोकेगी। डिफेंस स्पेस एजेंसी अर्थात DSA को बेंगलुरु में एक एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी के तहत स्थापित किया गया है, जो धीरे धीरे तीनों सेनाओं की स्पेस से संबंध क्षमताओं से लैस हो जाएगी। अरुणाचल की पहाड़ी पर दिखा लापता AN-32 का मलबा, घने जंगल है चुनौती, यहाँ दशकों से लापता है कई प्लेन। भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 का मलबा अरुणाचल के सियांग जिले में देखा गया है। प्लेन की टोह लेने में एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग गया और अब उस जगह तक पहुंचना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। दरअसल इस इलाके में घने जंगल है और वहां तक पहुंचना काफी कठिन है। ऐसे में मलबे वाली जगह पर कमांडोज को हेलीकॉप्टर से उतारा जाएगा और ग्राउंड पार्टी को वहां तक पहुंचाने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। ईस्ट अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर पहले भी कई बार ऐसे विमानों का मलबा मिला है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लापता हो गए थे। ये अमरीकी एयरक्राफ्ट चीन के कुनमिंग में लड़ रहे तत्कालीन चीनी प्रमुख चियांग काईशेक के सैनिकों और अमरीकी सैनिकों के लिए जरूरी सप्लाई लेकर जाते थे। आपको बता दें कि 13 लोगों के साथ AN-32 विमान ने 3 जून को असम के एयरबेस से उड़ान भरी थी। इसके बाद सुखोई 30 C-130 जे सुपर हरकुलिस P-8I एयरक्राफ्ट ड्रोन और सैटेलाइट्स के जरिए विमान का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। नीरव मोदी की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, आज फैसला सुनाएगा कोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत पर फैसला आज सुबह 10 बजे आएगा। लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। इससे पहले वेस्टमिंस्टर कोर्ट लगातार 3 बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। नीरव को 19 मार्च को 13,000 करोड़ के घोटाले के आरोप में स्कॉटलैंड यार्ड में गिरफ्तार किया गया था। उसके प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही है। 10 दिन के रिमांड में भेजे गए पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को यहां की एक जवाबदेही अदालत ने मंगलवार को 10 दिन के रिमांड में भेज दिया। एक दिन पहले ही उन्हें $1,00,000 के कर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की टीम ने PP के सह अध्यक्ष को गिरफ्तार किया।
जरदारी और उनकी बहन पर अवैध रूप से हासिल किए गए धन को पाकिस्तान के बाहर भेजने के लिए फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल करने का आरोप है। पाकिस्तान विरोधी भाषणों को लेकर MQM संस्थापक अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक अल्ताफ हुसैन को मंगलवार को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। MQM के निर्वासित नेता हुसैन को उनके राष्ट्र विरोधी भाषणों, खासकर 2016 के एक भाषण को लेकर स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया। हुसैन ने उस भाषण में कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र और पूरी दुनिया के लिए कैंसर है। MQM का करीब 3 दशक तक कराची में राजनीति में दबदबा रहा है और उसे उर्दू भाषी मुहाजिरों का खास समर्थन प्राप्त है। मुहाजिर उन मुस्लिमों के वंशज हैं जो 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद भारत से आए थे। हुसैन की अब भी पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची और पार्टी पर पकड़ बरकरार है।